एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे, तभी रामू ने प्रश्न किया, सर मैं मैथ्स के सम्स सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ लेकिन सफल नहीं हो पाता। शिक्षक ने समझाया, बेटा बचपन की बात याद करो, बचपन में चलने के पहले तुम बार बार गिरते थे और हर बार गिरने के बाद फिर से उठकर चलने का प्रयास करते थे। बार बार प्रयास करने से तुम चलना सीख गए। जब तुमने साइकिल चलाना शुरू किया तुम गिरते थे, बार बार प्रयास करने से साइकिल चलाना सीख गए, गिरना बंद हो गया। जब ए लिखना शुरू किया था ए लिखना नहीं आता था, ए के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया ए लिखना सीख गए। इससे यह साबित होता कि जिस काम को तुम बार बार करते हो उस काम में तुम सफल हो जाते हो। आज मैथ्स में तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम प्रतिदिन 2 घंटा मैथ्स के सम्स को सॉल्व करने में लगाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि मैथ्स का सम्स सॉल्व करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तभी श्यामू उठा और बोला, सर मुझे सवेरे उठने में बहुत दिक्कत होती है, क्या इसी तरीके से मुझे सवेरे उठने की आदत पड़ सकती है? शिक्षक ने कहा, हाँ बेटा, जिस काम को करने की आदत डालनी है उस काम को अगर तुम बार बार करते हो तो उस काम को करने की तुम्हें आदत पड़ जाएगी। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं वो इसी सूत्र का पालन करके आगे बढ़े हैं। तभी मनोहर उठा और बोला, सर ऐसी कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है? शिक्षक ने कहा, बेटा नोट करो, सवेरे उठने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत, वही खाना खाने की आदत जो खाना आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, माता पिता को रिस्पेक्ट देने की आदत, माता पिता के छोटे छोटे काम में हाथ बटाने की आदत, टीचर की बात को ध्यान से सुनने की आदत, सदा सच बोलने की आदत, ईमानदारी पूर्वक अपना काम करने की आदत, अनुशासन को पालन करने की आदत, दूसरों को मदद करने की आदत, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो जीवन में आ जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। और एक बात और, जिस प्रकृति ने जिस परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हें सारी सुविधाएं दी है, बोलने की सुविधा, सोचने की सुविधा, सुनने की सुविधा, देखने की सुविधा, उस परमात्मा को उस प्रकृति को धन्यवाद देना, उनकी उपासना करना, थोड़ी देर मंत्र का जाप करना, थोड़ी देर पूजा करना, इससे तुम्हारे अंदर की शक्ति बढ़ेगी। और जब तुम्हारे अंदर की शक्ति बढ़ जाएगी तो तुम्हारे लिए ज़्यादा काम करना आसान हो जाएगा। सभी बच्चों ने कहा, हाँ सर आपकी बात हम लोग समझ गए हैं और इसका पालन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भविष्य हमारा है और इस भविष्य को हम ही बना सकते हैं, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने भविष्य को अच्छा बनाकर दिखाएंगे। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहा करते थे, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। धन्यवाद।